युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, संन्यास लेते वक्त हुए भावुक। भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर और 2011 विश्व कप में हीरो रहे युवराज सिंह ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय संन्यास का ऐलान कर दिया। मुंबई के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन करते हुए युवी ने इसकी घोषणा की। आगे वह आईसीसी की मान्यता प्राप्त विदेशी टी20 लीग में फ्रीलांस करियर बनाना चाहते हैं। युवराज ने भारत के लिए 304 वनडे में 8,701 रन बनाए हैं। युवी ने साल 2000 में केन्या के खिलाफ वनडे के डेब्यू किया था। अपना आखिरी एक दिवसीय मैच वेस्ट इंडीज को खिलाफ खेला था। युवराज ने अपना टेस्ट डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2000 में पंजाब के मोहाली में मैदान पर किया था और अपना आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में खेला था। युवी ने 40 टेस्ट में 62 पारियों में 1900 रन बनाए हैं। 58 टी20 मैच खेलते हुए युवराज ने 1177 रन ठोके हैं। टी20 में ही इंग्लैंड के खिलाफ युवी ने 6 छक्के लगाए, इतिहास रच दिया। युवराज ने अपना आखिरी टी20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलोर में खेला था। बता दें कि युवराज इस साल आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते नजर आए थे, लेकिन उन्हें अधिक मौके नहीं मिल पाए। भारतीय टीम में उन्होंने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। शायद यही कारण है कि वह अपनी भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। युवराज सिंह ने कैंसर से जूझते हुए भारत को 2011 के विश्व कप को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। वर्ल्ड कप 2019 में कौन सी टीम जीतेगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।